ऐसे तो कंटा गांव के लोग अब से आगे आ चुके हैं। ठीक है ने भी अपनी कैप ले ली है। मम्मी की हाथ का खाना, घी लगी हुई रोटियाँ। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम घर वापस जा रहे हैं, घर से वापस सिरमौर। छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है और हम लोग हैं बिल्कुल रेडी। गाड़ी हमने जैसा कल दिखाया था कि थोड़ा डिस्टेंस पे हमने लगाई है, और विवियन पापा के साथ जा रहा है, वो बिल्कुल रेडी है। चल रहे मम्मी, आप भी जो मेरे को दे दो ये बैग। चलो ठीक है छुट्टियाँ माँ, टेक केयर, मिलते हैं आपसे दोबारा जल्दी। जिस दिन हम नीचे सिरमौर से वापस घर आए थे उस दिन भी मौसम ऐसा ही था, बिल्कुल ख़राब, और आज भी बिल्कुल वैसा ही ख़राब मौसम। बस आज ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, उस दिन बारिश हो रही थी। ईशा आ गई, ईशा आ चुकी है। पिटू, दादी की पिटू चला गया अभी भी है ना, ये पैदल नहीं चलता है भाई, पिट्ठू वाला, ये पिट्ठू ले जाओ बोलते हैं मुझे उठा के। यूजली हम लोगों को पार्किंग तक यहाँ तक आना पड़ता है, जो हमारी पार्किंग है, बट रोड बंद है। वीवी दादी की पीठ में सवारी करते हुए जा रहा है। अब यहाँ से जाएंगे हम ईशा के घर। पहले ईशा के घर पे ईशा की मम्मी और ईशा का भाई अक्षित, उनसे मिलना होगा। वीवी दादी के साथ पीठी में दादी की, ओ वीवी इतना मोटू यार, पापा दादू दादी की पीठू में जाता है, ये पीछे है। सो हम लोग है रेडी, तो हमारा फाइनली पैकअप हो चुका है, गाड़ी पूरी पैक है, अब हम चले। ठीक है माते, बाय, मिलते हैं अब आपसे जल्दी ब्रेक के बाद सर्दियों में। ठीक है पापू, ओके मिलते हैं। ठीक है जी, तो गाइस हम पहुंच गए हैं कंडा, हमें कंडा मोड़ पे इस टाइम, और आपको दिखाता हूँ कंडा मोड़ से कंडा गांव का व्यू। ये है कंडा गांव, ये बनोट से आगे आता है और दलान से पहले। यहाँ पे मेरी बुआ का घर भी है, इसीलिए ये गांव मुझे अभी दिखा तो मुझे याद आई। बुआ शादी में भी नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके फैमिली में कोई यहाँ पे एक्सपायर हो गया था, तो ये शादी में भी नहीं आ पाए थे अभी। वैसे तो कंडा गांव के लोग अब थोड़ा सा इधर उधर को फैल चुके हैं रोड की साइड को सारे, पर ये पुराना गाँव है और यहाँ पर टूर्नामेंट भी हुआ करता है क्रिकेट का। अब हमने जाना है यहाँ से इस तरफ को, ये है दलान से दलान की तरफ का रोड, वो दिख रहा है नीचे सिंगापुर, जो दरिया के साथ बिल्कुल नीचे, और वहाँ से हम आए हैं। जो अभी आपको दिखाता हूँ वो जहाँ से मोड़ दिख रहा है, मोड़ पे से जो रोड नज़र आ रहा है वहाँ से हम आए, और वो भुट्टी की धार दिख रही है ऊपर, उस साइड से हमारा घर है, वहाँ से हम आए हैं। हम पहुंच चुके हैं ईशा के गांव में। ईशा का बचपन जहां पे गुजरा है ये है वीरगढ़। वीरगढ़ यहां पे है ये स्टेडियम, और जो हमारे पीछे बिल्कुल दिख रहा है ये राधा स्वामी ब्यास वालों का सत्संग भवन बना है यहां पे, और यहां पे टूर्नामेंट भी होता है क्रिकेट का, साल में दो बार होते हैं, सर्दियों में दो मंगसू और शतला वाले करवाते हैं। बड़ी बहुत बड़ा स्टेडियम है, हम बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है हमने यहाँ पे। बड़ी बिल्डिंग के पीछे जो गांव घर है वो ईशा का घर है उधर। ये है प्रॉपर कोटगढ़ जो सामने दिख रहा है आपको गांव, ये प्रॉपर कोटगढ़ जो बोलते हैं जगह वो है सामने। ये यहाँ पे ईशा के गांव का हॉस्पिटल है यहाँ पे बना हुआ, और वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वो बिल्डिंग में जिसको बता रहा हूँ, इस स्कूल में मेरे डैड भी पढ़े हैं, इवन मेरे ताऊ भी पढ़े हैं, ईशा के चाचा पापा वो सब भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि मेरे डैड बताते हैं कि उनके टाइम में जब वो स्कूल में थे तो उस टाइम पे पूरे एरिया में सिर्फ ये एक स्कूल हुआ करता था, तो सब हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, मेरे डैड वहाँ से यहाँ पे पढ़ने आया करते थे।
जो राज आपको स्कूल बता रहे थे, वो पिछला जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्कूल कहा जाता है कि 1920 में खुल चुका था। उस टाइम पे किस इस लोकल एरिया में कहीं पे भी स्कूल नहीं होते थे, तो ऑब्वियसली जो हमारे फोर फादर्स भी हैं दे हैव बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल। तो यहाँ पे हम बचपन में बहुत खेला करते थे और देखो वीवी भी खेल रहा है। और यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आपको लगता है कि आप आसमान को जैसे छू ही सकते हो, ऐसा लगता है कि आसमान बिल्कुल आपके जो हॉरिजॉन है बिल्कुल पर है। सामने देखो दलाश गांव दिख रहा है। हाँ, वो जो सीधी लाइन दिख रही है वो दलाश है। यस एग्जैक्टली, वो वाला दलाश गांव है। ये पूरा कुल्लू दलाश निथर वो सारा एरिया यहाँ से दिखाई देता है। वो जो ऊपर दिख रहा है आप पता नहीं दिख रहा है ऊपर की नहीं दिख रहा है, जो आपको बस टावर दिख रहे हैं वो थानेदार है। और थानेदार के तो इधर को जो आता है ये पमलाई आता है। ये मेरी नानी का घर है, मेरी नानी का घर पमलाई में है। ये है ईशा का गांव, मंगसू गांव। और ईशा का घर है, मैं आपको ईशा का घर भी दिखा देता हूँ। और जो टेरेस जो जिसमें लेंटर भी दिख रहा है साइड में लगा हुआ, ये लेंटर वाला। हाँ, ये ईशा का घर है। ये है वीरगढ़ उधर को, और इधर को है मंगसू। और जहाँ पर अभी हम खड़े थे तो वो स्टेडियम था बिल्कुल मेरे घर के सामने। हाँ, अभी हम उससे पहले स्टेडियम में। अब हम चले शिमला से मिलने जा रहे हैं। अब हम अक्षित हमारे को कोटगढ़ में मिलेगा। वो एक्चुअली अपने स्कूल जाता है अभी, वहाँ से उसका ट्यूशन सेंटर भी है, तो वहाँ पे क्लासेस लगाने के बाद वो सीधा स्कूल ज्वाइन करेगा। कोटगढ़ अगर मैं आपको बता दूँ तो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब चारों तरफ से आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। और कभी भी ग्रीनरी, मतलब एवर ग्रीन ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज, तो कभी भी यहाँ पे ग्रीनरी कम नहीं होती है। तो आई लव माई होम, बिकॉज हर एक को अपना स्वीट होम पसंद होता है। आई ऑल्सो लव माई होम। लो जी, अब हम लिंक रोड से वापस मेन रोड में आ चुके हैं, मंगसू गांव से। हमने परीत और उचेता का कुछ सामान लेना था, हम उनका सामान उठा लिया है हमने। तो अभी फिलहाल हम कोटगढ़ के जंगल के थ्रू जा रहे हैं। ये है मिशन स्कूल, कोटगढ़ का एक ही प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, जो कि 1920s में ये स्कूल बना हुआ है। और ये उस टाइम का लौता स्कूल था इधर। इवन इसमें चर्च भी है अंदर, आई थिंक वो चर्च ही नज़र आ रहा है शायद। ग्राउंड दिख रहा है स्कूल का, वो स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। और अक्षित इसी स्कूल में यहाँ पे मैथ और साइंस का टीचर है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो शिमला में BCS स्कूल है, BCS स्कूल भी इस स्कूल के बाद बना था। ये स्कूल BCS स्कूल से भी पुराना स्कूल है, इतना पुराना स्कूल है ये। और अंग्रेज़ों ने उस टाइम का ये कंस्ट्रक्ट किया है ये स्कूल। आप अभी तो हम नहीं जा पाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का हम इस स्कूल को विज़िट करेंगे और इसको दिखाएंगे। बहुत अच्छा स्कूल है। और ये स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं सारे बच्चे। हेलो अक्षित। हेलो। सारा टाइम हो गया स्कूल जाने का? हाँ, हो गया। मामू के साथ स्कूल जा रहे हो? है बीवी? यस। आप मामू के साथ स्कूल जाना है आपको? क्या 9:30 टाइमिंग है? हाँ, 9:30 की टाइमिंग है अभी। आ चुके हैं बच्चे। मिस्टर कर्णव कहाँ है? मिस्टर कर्णव बॉस। कर्णव का स्कूल, कर्णव का स्कूल उधर आगे वाला है। आगे वाला है, वहाँ पे LKG UKG जो एक कॉर्नर में जिसकी चोंच सी दिख रही है। यस यस यस। ये वाला चर्च भी, आप ऊपर चर्च आ सकते हो। वैसे हम आएंगे नेक्स्ट टाइम कभी, आज तो फिर हम लेट है। मैं निकलता हूँ। ठीक है अक्षित, तू निकल। ठीक है निकल तू आराम से। सो हम फाइनली अक्षित से भी मिल चुके हैं। अभी हम प्रॉपर कोटगढ़ में हैं। ये प्रॉपर कोटगढ़ है। अभी यहाँ से जो रोड ऊपर चल रहा है, ये रोड ऊपर जाता है सीधा, यहाँ से गेस्ट हाउस हॉस्पिटल वो इस रोड में है। और ये आगे जाता है मेन बाजार के लिए। तो अब हम सबसे मिलना हो गया। अभी भी चलो पापा, गाड़ी में चलो। अब कहाँ जाना? चलो जाओ जाओ, मामा के पास बैठो, जाओ। चलो 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 चलो। ये भी बहुत इंजॉय कर रहा है, इसको मज़ा आ रहा है, बच्चे स्कूल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइस, हम पहुंच गए हैं जरोल में।
यहाँ पे रास्ते में पड़ती है एक जगह ताना जुब्बड़। तो मीमेल अभी हम यहाँ से जा ही रहे हैं, तो रास्ते में ही पड़ता है बिल्कुल रोड। ये यहाँ से 100-200 मीटर का एक लिंक रोड है ऊपर को मेन रोड से। तो हमने सोचा कि चलो आपको आज ताना जुब्बड़ भी दिखाई देते हैं। इको पार्क ताना जुब्बड़, कोटगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व। हम थोड़ा बहुत आपको कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, वैसे तो आपने देखा भी होगा। इस प्लेस का ना कोई मुकाबला नहीं है, ये अपने आप में एक नेचर की ब्यूटी है। आप देखो इसको, ये नेचुरल बनी हुई है। एक है, आप चाहो तो इधर जंगल में भी हम बैठे, जब मेला होता है यहाँ पे तो हम इस पूरे जंगल में बैठे होते हैं इधर ऊपर। पापा नहीं आगे नहीं जाते, अच्छा पकड़ो। यहाँ पे एक मंदिर भी है, नाग देवता का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे 31st में एक बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे। और उधर को एक इसमें रिजॉर्ट भी बना हुआ है जो बिल्कुल कॉर्नर में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो अभी गाड़ियाँ लगी है, तो टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो व्यू, कितनी लंबी। यहाँ गर्मी में कभी अगर जून जुलाई के महीने में भी आओगे ना तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, इतना अच्छा वेदर है यहाँ का, चिल वेदर। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, कितने ह्यूज ह्यूज पेड़ है यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट। ईशा पता नहीं क्या कहाँ से घूम के आ चुकी है। ओके गाइस, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत दूर जाना है, बिकॉज कोटगढ़ से हमें सिरमौर जाना है, तो दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग अवे। मिलते हैं आपसे आगे नारकंडा में। अभी करंटली हम बतनाल में हैं और ये काफी ही मतलब रेड जोन माना जाता है, स्पेशली विंटर्स में इसको काफी ही डेंजरस जोन माना जाता है। तो काफी स्लिपरी हो जाता है, बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है, एंड तो ग्लेशियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आते हैं यहाँ पर ग्लेशियर, बिकॉज थिक लेयर ऑफ स्नो, एक बार अगर ग्लेशियर बन जाए तो रोड ब्लॉक हो जाता है। तो फाइनली गाइस हम नारकंडा पहुंच चुके हैं। और नारकंडा बाजार में यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हो ये नारकंडा बाजार का मंदिर है। और यहाँ पे दो लेफ्ट और राइट साइड को यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, खाना खाने के लिए सब गाड़ियाँ यहीं रुकती है। गाइस वो आपको जो दिख रहा है वो है मतियाना। You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. So guys, हम मतियाना पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से शुरू होती है मतियाना की मार्केट। पिछली तरफ तो घर भी है यहाँ पर, और इस एरिया में सारी ऑलमोस्ट मार्केट ही है। घंटा घर सा बना हुआ है पुराने जमाने में जैसे होते हैं। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ये बिल्डिंग ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये 100 साल से पुरानी बिल्डिंग।
सो गाइज आफ्टर दिस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ट्यूक, सो वी विल सी यू देयर। तो हम पहुंच चुके हैं ईशा और बीबी आदि नींद में है और ये आगे हैं बिल्कुल डायवर्जन पे जहाँ से कोटखाई को रोड जाता है। ये यहाँ से जाएंगे कोटखाई और ये सीधा जा रहा है आगे शिमला। वैसे मुझे पहले लगता था कि ठियोग का बाजार यही है जो ये रोड पे है, ये इतना ही है बस ठियोग का बाजार, पर मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि ठियोग बाजार का जो ये ऊपर को रास्ता देख रहे हैं ना आप यहाँ से जा रहा है, ये ठियोग की को जो रोड से ऊपर को मार्केट है उसके लिए जा रहा है। मेन मार्केट तो इनकी ऊपर है। ये बस स्टैंड है ठियोग का जो कि अभी पीछे यहाँ से बस स्टैंड गिर भी गया था नीचे, पर अब यहाँ पे अच्छा बन गया है, शॉप्स है, मॉल है। गाइज हम ठियोग से आगे आ चुके हैं, ठियोग फाइनली हमने क्रॉस किया, बहुत जाम लगा हुआ था, इस लंबे जाम के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। एक्चुअली हमारी जो वीवी को देखती है दीदी, घर पे हमने रखा है नैनी को, जिनको वीवी की नैनी ने, उन्होंने बुशहरी टोपी मांगी अपने हस्बैंड के लिए, तो उनकी डिमांड है कि भाई मेरे हस्बैंड के लिए बुशहरी टोपी लेके आया जाए। यहाँ पे एक बिकल्टी में एक शॉप है जो अपर हिमाचल की, जो अपर शिमला के मीन्स कोटगढ़, इधर कोटखाई, रोडू, चुब्बल, चुपाल, रामपुर, इधर के कोई भी लोग आते हैं और जिन्होंने कुछ ट्रेडिशनल वेयर लाइक सुलुकी, ढाटू, ये सब चीज़ें लेना हो तो यहाँ पे रेडीमेड आते हैं और ये बहुत रीजनेबल पड़ते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से ये रेडीमेड सुलुके लो, लेडीज़ के आई थिंक 500 रुपीज़ के पड़े, और एक मैंने पापा के लिए लिया तो वो भी 700 रुपये का पड़ा, बहुत ही रीजनेबल। अब बस हम यहाँ से बेकल्टी आने वाला है। भैया बिशाही टोपी है यहाँ पे तो काफ़ी सारी है बेबी, तो रेड वाली, ग्रीन वाली भी है ना? हाँ ग्रीन भी है, और वो कुल्लू वाली स्टाइल में भी है के किस प्राइस में भैया? आई थिंक ये साइज उनको ठीक आना चाहिए बिकॉज मेरा सर थोड़ा सा बड़ा है उनका, और जो उनके मेरी आंटी के हस्बैंड है ना उनके बाल सर पे कम है, नहीं है तो यार मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाला साइज ठीक है। देखो दो अगर मुझे आ गया तो एक्चुअली जेंट्स टू जेंट्स मुझे लग रहा है कि मेरे साथ मैच करेगा। ठीक है ठीक है, अच्छी है, अच्छी है। इसे बोलते क्या वैसे, ग्रीन वाली बोलते हैं कांग्रेस और जो मैरून वाली ये बीजेपी, ऐसी है पता करो जरा उनसे बीजेपी के कांग्रेस के बंदे हैं। रेडीमेड यहाँ पे पेटीकोट मिल जाते हैं, यहाँ पे धाटू बहुत सारे मिल जाते हैं, यहाँ पे कितने सारे धाटू है यहाँ पे। मीन्स अगर यहाँ से घर की तरफ जा रहे हो आप, शिमला से आ रहे हो, ये बेकल्टी में है बिल्कुल। आपने बास्केट पतले बास्केट भी रखे होते हैं आपने ऊपर? अच्छा आप ही के ऊपर अंकल बैठते हैं जहाँ पे ऊपर? उस दिन मैंने हाँ हमने लिए थे उस दिन ऊपर। पापा क्या ले रहे हो आप, आप क्या ले रहे हो बीबी? बीबी ने भी अपनी कैप ले ली है, हैट ले ली है। हेलो 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 हेलो। सो गाइस हमने मेरी आंटी के हस्बैंड के लिए टोपी ले ली है, बिशहरी टोपी, और ये है वो दुकान जो आप देख रहे हो, ये है बेकल्टी चौक, ठियोग के लिए रोड जाता है और ये उस शॉप है। सो गाइस दिस इज माँ के हाथ की सब्जी एंड चपाती, भिंडी की सब्जी, बहुत ही यम्मी बनी है। हमने अभी बीवी को खाना खिला दिया है, उसको देख के मुझे भी भूख लग गई तो मैंने कहा ईशा हम यहीं खा लेते हैं। हम अभी कुफरी से थोड़ा आगे जो उतराई लगती है शिमला ढली के लिए, हम उस उतराई में अभी यहाँ पे पार्क की है साइड में और अब हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मम्मी की हाथ का खाना, घी लगी हुई रोटियाँ, खासकर आप तो बहुत मिस करते होंगे ना? इसको ना खा के बचपन की याद आती है, जब हम स्कूल जाते थे मम्मी रोटी बना के रहते थे वो वाली फीलिंग आती है।
अब मुझे खाना मिलता है ईशा के हाथ का, जो कि इक्वली गुड होता है। मैंने तो भी बोला ये कुछ नहीं है। मम्मा बशु कहाँ से लेके आए आप? एक हमारे को शिमला ही बच चुका है। अभी हमारे को 50 किलोमीटर सोलन, फिर वहाँ से भी अराउंड 60 किलोमीटर और अभी आगे है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए तो अब हम शिमला पहुँच चुके हैं। फिलहाल हम छोटा शिमला होके पंथाकाटी जाना है हमें। ये जो जगह आप अभी देख रहे हैं, दिस वॉज राज्स ओल्ड प्लेस बिफोर आवर मैरिज, यूज्ड टू लिव हियर। हिज रूम वाज जस्ट नियर बाय ट्रैफिक जाम। सो हाय गाइस, आज हुआ ये कि हम रास्ते में आ रहे थे तो हम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो हम उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो उस वजह से हमारे 5:30 हमें सोलन में ही हो गए। हमारे को जाना है यहाँ से सोलन से भी अभी 65 किलोमीटर और आगे जाना है। उसके लिए फिर घर से भी हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली कि रात को मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ, सुबह जल्दी निकल जाना यहाँ से। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है ऐसा, तो फिर हमने यहाँ पे सोलन से थोड़ा सा पीछे हमने यहाँ पे एक होटल ले लिया। इस होटल में हम 2 साल पहले भी रुके थे, तो हमने कहा चलो ठीक है रेस्ट कर लो, बिकॉज इतना ज़्यादा जाम था सुबह से लेकर। कुफरी में हमें 1 घंटे का जाम लगा, शोगी में जाम लगा, शिमला में जाम लगा, गंडा घाट से इधर को जाम लगा सोलन की तरफ को, तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 5:30 हमारे को यहीं बच गए।